इंसानी फितरत है कि हमें दूसरों की जिंदगी आसान और खुद की मुश्किल नजर आती है, और सच ये है कि हर इंसान का जीवन मुश्किलों से घिरा हुआ है। लिखो मेरी कंप्लेंट। अरे ऐसे कैसे, कुछ भी बोलेगी तू। हाँ सब मैं आपको बोलती है, आप इसकी बात नहीं सुनो। हाँ ये तुम्हारी देवरानी है ना, आरोप कर रही है। साहब देवरानी है तो क्या हुआ, चोर एक नंबर की। देवा चोर किसको बोली तू? तेरे को बोली और किसको बोली? देखो साहब, देखो साहब, इसकी ना पहले से ही नजर थी मेरे गहनों पे। झूठ बोलकर मेरे को कैसे फंसा रही है? साहब मैं आपको बोलती है, इसका जो पति है ना, उसी ने चोरी की है। ए, सुनील के बारे में कुछ नहीं बोल। मैं को नहीं बोलू, मैं को नहीं बोलू। तू पूरी दुनिया पर उंगली उठा सकती है और मैं तेरे को कुछ नहीं बोलू। साहब साहब सब कुछ दे दिया था इन लोगों को हमने, अब एक वो हार बचा था वो भी तेरी। ना तेरी मचमच यहाँ कोई नहीं सुन रहा, समझे क्या? अपना ड्रामा ना, अपना ड्रामा को बंद रख। ए तू ना जा, तू बोल रही है क्या? नाम है साहब? क्या है साहब? साहब मेरी कंप्लेंट साहब, सब झूठ बोल रहे साहब, सब ड्रामा है सारा साहब। चोर तू झूठ बोल रहा है, कंप्लेंट है वो साहब लियून गया। थैंक यू साहब। साहब लिया तुम्हें कंप्लेंट, लिया तुम्हें। तुमसे नाम सांगा? मेरा नाम रंजना पाटिल है और ये मेरी देवरानी है सर पूजा पाटिल, और इसने मेरा हार चुराया। मैं यहाँ ज्वेलरी शॉप में सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अरे रंजना सुनना, सुनना मेरी बात। मैं क्या क्या आई, वो नवरात्रि की पूजा का सामान लेके आई। ठीक है अंदर रख दे। अब ये कहाँ है? वही नहीं, दादा अंदर है। दूध गर्मा गर्म क्या? आपके लिए हल्दी डालिए आई। मैं कर देती। सुनील अब इधर अकेले काहे को बैठे हो? किधर थी तू? अरे मैं किधर होएगी, शॉप में। क्या हाल है? अरे सुबह से भूखा हूँ मैं, खाना नहीं दिया मेरे को। क्या जरूरत थी तेरे को पूजा से लड़ने की? यहाँ अभी भड़क गए ना सारे के सारे, सब खाना करके बैठे हैं अपना, मेरे से पूछा तक नहीं है। ए, अरे अभी रहने दे तू। ए, दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या कर रही है तू ये? दिमाग मेरा नहीं, आप लोगों का खराब हो गया। खाना काय को नहीं दिया सुनील को? काय को दे, हम काय को दे, हम सब तो चोर है ना। तूने यही बोला ना आज पुलिस में? आई इसका तो समझ में आता है, लेकिन आप ही। अरे सुनील बेटा है आपका। बेटा? अरे मेरे बेटे को तूने बदल के रख दिया है, पूरे घर की वाट लगा के रख दी है। सुबह तूने हम सबको चोर बोला और वो चुपचाप बैठा देखता रहा। आई मैंने आपको बेटा कहते हैं क्या? आई मैंने आपको चोर नहीं बोला था। पूजा चोर, बदनामी तो हमारे घर की होती है ना। बस हमा और वहीं प्लीज। अरे जरा पैंट क्या पहन ली, घर से बाहर क्या चली गई, खुद को झांसी की रानी समझने लग। बस कर पूजा। पूजा से कुछ बोलने का नहीं समझी ना? और इतनी भूख लग रही थी तेरे पति को, तो ले सकता था ना खाना। बैठे बैठे आवाज लगाता रहता है, हम क्या नौकर है उसके? अरे वो तो मजबूर है, कुछ कर नहीं सकता, तेरे तो हाथ पैर है ना। चला उन्हें, पहले घर में कमा के लेके आओ, उसके बाद बात कर। तू मां समझा इसको, तू क्या जायता नहीं माजा, एक रख के दे दूंगा नहीं तो। चल बात करने की तमीज नहीं है मुझे और उसके बाद। अरे तू निकल यहां से, तू बात कैसे करती है मेरे से? बोल देती है मां, निकल तू जा, तेरी चुप करने की कैसे बोलने लगी? क्या चल, नहीं खाना है खाना मेरे को। अरे रंजना आज लेट कैसे? अरे मत पूछ रे, बहुत लंबी स्टोरी है। ये तो अच्छा हुआ कि आज मालिक शहर में नहीं है, वरना तेरी वॉट लग जाती। रंजना ए, सब ठीक है ना? हो रे सर, जैन सुधर। सब जैन सुधर। सर
जरा संभल के। कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। तू तो अपने भाई को कुछ बोलेगी नहीं। मैं क्या बोलूं? मैंने तो उससे रिश्ता भी तोड़ दिया है जब से तुमने मुझे बताया कि उसका कहीं और चक्कर चल रहा है। अब मैं और क्या करूं बताओ? समझा उसको। अभी मैं क्या समझाऊं? बच्चे हैं क्या वो? हाँ, मेरी लाइफ में क्या कम झमेले हैं क्या जो ये मोहन का और एक और? तुम सब लोग एक जैसे हो। तेरे भाई को उसके बीवी और बच्चे की पड़ी नहीं, और तेरे को सिर्फ अपनी पड़ी है। मैं छोड़ूंगी नहीं, देख लूंगी एक एक को। हाँ, समझ क्या रखा है मुझे? ये ले, मस्त खिचड़ी बनाई है तेरे लिए। घी या दही किसके साथ खाएगा? छोड़, भूख मर गई। मरी नहीं है, तेरे गुस्से के पीछे छुप गई है ये। अरे मत ना रंजू, एक बार ना बोला ना। ठीक है, फेंक देती हूँ मैं फिर ये। सोचा था दोनों साथ में बैठ के खाएंगे, कोई बात नहीं। और वैसे भी कल से तो मेरा नवरात्रि का उपास है ना। एक काम करती हूँ, मैं ना भूखी मर जाती हूँ। हाँ, वैसे भी मैं जी हूँ या मरूँ किसी को क्या फर्क पड़ता है। घी के साथ? अरे मैं घी के साथ खाऊंगा प्लेट पे। देवा रे देवा, बहुत गर्मी थी आज। और ना खुर्चियां भी हटा दी उन लोगों ने। बोली थी ना मैं तेरे को, बड़ा साहब बोलता है कि खुर्चियां रहेंगी तो आलस आएगा। 10 घंटा गर्मी में खड़ा रहे फिर पता चलेगा उसे आलस और थकान में क्या डिफरेंस होता है। ये सब मेरी वजह से। अरे मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो अपने को ये टाइम नहीं देखना पड़ता। कुछ भी क्या सुनील, हाँ तू देखना सब ठीक हो जाएगा। और पता है ऑपरेशन के लिए ना पैसे भी सोच लिए कहाँ से आएंगे। मैंने सोचा है हम लोन लेंगे। अरे हंस क्यों रहा है? हाँ हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन देखना सब ठीक हो जाएगा। टाइम ही तो नहीं है अपने पास। अरे जब तक पैसा आएगा ना तब तक मैं घर वालों के झगड़े सुन के उनके ताने सुनते सुनते चला जाऊंगा। क्या 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 बकवास कर रहा है? मैं बोल रही हूँ ना हो जाएगा सब ठीक। और वैसे भी गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है। एक छोटे से हार के लिए मैं पुलिस तक चली गई। ये भी नहीं सोचा कि तेरा क्या होगा। मेरी गलती है, तेरी कोई गलती नहीं है रंजू। वो ना, अरे बहुत लेट हो गया। तू एक काम कर, तू खाना खा, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। हाँ दृश्य उन चुनौतियों को दर्शाता है जिनसे हमारे समाज की न जाने कितनी कामकाजी महिलाएं हर दिन गुजरती हैं, खासकर रंजना जैसी महिलाएं। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी अकेले निभाने के बावजूद इन्हें घर वालों से मिलती है सिर्फ आलोचना। इतना ही नहीं तो अपने मायके से जुड़ी समस्याएं भी इन्हीं पर लाद दी जाती हैं, और इन्हीं विभिन्न तनावों से लड़ते लड़ते व्यक्तिगत रिश्ते और सुख मानो कहीं खो से जाते हैं। एक जुझारू महिला होने के कारण रंजना ने अपना संघर्ष जारी रखा, लेकिन सवाल ये था कि वो ये सब कब तक कर पाती। तू क्या कर रही है? रंजना मैं तुझसे बात कर रही हूँ, क्या है ये सब? ये ताला क्यों लगाया रंजना? खोलो, मैंने कहा खोलो ताला। क्यों?
पति को खाना नहीं देना है ना, तो मैं तुम लोगों को खाना क्यों दूं? और वैसे भी इस घर में दाल चावल राशन सब कुछ मेरे पैसे से आता है ना। अब आज से अपने पति को बोल कि वो तुझे खिलाए। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है तू, बहुत ज्यादा बोल रही है, तो सुन मेरी बात, सुन तू। अजय देख क्या रहे हो, तोड़ ना ताला। भाभी मैंने कहा ना, थैंक यू सो मच प्रमोद, तू रोज ऐसे छोड़ने आता है मेरे को। अरे उसमें थैंक यू का शाला, रास्ते में ही तो आता है तेरा घर। अच्छा चल उदय भेटो अपन, चल ठीक है, चल चल। क्या चल रहा है ये सब? कौन है वो जो तुझे छोड़ने आता है? सब समझती हूँ मैं। कुछ समझ में नहीं आता आपको? आपके कान भरे जा रहे हैं। उधर क्या देख रही है, कौन है वो? वो भी सिक्योरिटी गार्ड है, शॉप में ही काम करता है। छोड़ने आया था क्योंकि घर जल्दी आने की कोशिश कर रही थी मैं, और वो भी सुरक्षित उस दिन से। कुछ लोगों को सिर्फ बोलना आता है, बोलने दीजिए, क्योंकि मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। हाँ हाँ बहुत सुंदर लग रही हो, काम करने जा रही हो या फिर मौज करने? काय मत, जा तो काम पर ही रही हूँ, पर क्या है ना दशहरे की वजह से थोड़ा तैयार होके जाना, कोई कमाए तो जाने। सुन तू ना, आज के दिन भी तुम लोगों की तू तू मैं मैं। चलो पूजा शुरू करो, पूजा शुरू करो, लाओ मैं ये। अब सुनील पूजा के लिए आई है। आई आई पुलिस रंजना पटेल। तुम से रंजना पाटिल कौन है? जी मैं हूँ, क्या हुआ? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, पूछताछ करनी। जी अरे पर आप बताइए तो हुआ क्या है? चोरी। चोरी? तुम जिस दुकान में काम करती हो उसके मालिक के घर। लेकिन साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो खुद एक गार्ड हूँ, मैं कैसे? नहीं सर। तुम्हें चाबी दी थी ना मालिक ने बाहर गाँव जाने से पहले। अरे बापरे सर भी आए आज? आज सुबह सुबह ही आई है। रंजना इधर आओ। मर गए। मेरे को तो लगता है आज इसको सॉलिड डांट पड़ने वाली है। जी सर। तुम्हारी भाभी और मैं बड़गांव जा रहे हैं, ये लो घर की चाबियां, ये अपने पास रखना, और घर में पौधे हैं एक दिन छोड़कर पानी डालने का। जी जी सर जी। पूरे घर में सिर्फ तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं, बताओ चोरी के 10 लाख कहाँ है? सब साहब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। मालिक ने तो इतने विश्वास से मुझे चाबी दी थी, मैं कैसे कर सकती हूँ साहब? और तुम्हारे घर वाले, उन्हें भी पता होगा कि तुम्हारे पास चाबी है? नहीं साहब मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरे पास चाबी है। हाँ कुछ गार्ड लोगों को पता था। और ये तो बड़ी खुश लग रही है। और क्या? और कुछ नहीं साहब, मैं वही बोल रही हूँ साहब मैंने कुछ नहीं किया। रंजना जो कुछ जानती हो सच सच बता दो, पता तो हम लगा ही ले, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुमने कुछ छुपाया है तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सर रंजना के भाई मोहन से पूछताछ की, वो भी वहीं पे गार्ड, लेकिन लगता नहीं कि वो कुछ जानता है। और अभी सिर्फ प्रमोद बचा, दूसरा गार्ड जो रंजना के साथ ड्यूटी कर, कहीं मिल नहीं रहा, घर में देखा आसपास पूछताछ की, कहीं नहीं। हो सकता है उसी ने रंजना से चाबी ली, या ये भी हो सकता है कि दोनों मिले हुए साथ में काम करते थे तो दोस्ती तो होगी,
एक काम करो, इस रंजना के घर के आसपास पूछताछ करो, देखें इस रंजना और प्रमोद के कनेक्शन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके घर की तलाशी भी लेनी हो, सर्च वारंट निकलो। सर दिमाग खप जाता था साहब, रोज का बवाल, वो सब बाहर सुनाई देता था ना, वो पैसे का भी कोई लोचा था, वो रंजना भाभी है ना, पूरे घर में वही अकेले कमाने की, इसलिए। रंजना का ना नसीब ही खराब है साहब, एक तो पैसों की टेंशन, ऊपर से पति के साथ रोज चिक चिक। क्या उसका एक दोस्त था साहब? कौन दोस्त? सब उसके साथ काम करता है, काम के बाद कई बार उसे घर छोड़ते हुए देखा है, कौन है तो पता नहीं, पर हाँ ये रंजना का देवर है ना अजय, वो उसका भी दोस्त है। सब अजय है ना एक नंबर का थर्ड क्लास आदमी है, मेरे से भी कई बार उधार लिया उसने। सुनील सिर्फ दिखता ही बेचारा है सर, उसके व्हील चेयर पे मत जाना, उन लोग का विंडो हम लोग के विंडो के सामने ही है, 24 घंटा किसी ना किसी पे चिल्लाता ही रहता है वो, तो मुझे क्या लगता है ना साहब उसको फ्रस्ट्रेशन आया है, अपाहिज बन गया ना वो, इसलिए। मुझे जवाब चाहिए। रंजू नहीं सुनी, मेरे को वो घसीट के लेके गए पुलिस, मुझे अभी बताओ किसने चोरी की, बताओ। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, हम सब पे आरोप डालती है, हम सबको तो पता भी नहीं है कि चाबी किसकी है, तूने खुद उस दिन तमाशा किया था ना। अरे यार हॉल में भी नहीं है, पता अरे नहीं लेकिन तू वो तो बता तू, आई प्लीज पहले चाबी ढूंढ ले। अरे लेकिन किसकी चाबी है, कैसी चाबी है बताएगी तब तो, सारा घर उतल पुतल कर दिया है। अरे हमारे मालिक के घर की चाबी, अरे उन्होंने मुझे रखने को दी थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई है, हमेशा बैग में रखती हूँ मैं, पता नहीं कहाँ चली गई। हो देवा क्या हो रहा है ये, का है तू ना इधर तो देख ही मत, बोल देती हूँ तेरे को, आई देख वापस मेरे सर पे डालेगी ये सारा। वही नहीं कहीं ये चाबी तो नहीं है? हाँ अरे यही तो है, कहाँ मिली तुझे? यही पलंग के नीचे पड़ी थी। मेरे को वही टाइम लगा कि ये चाबी जब मैं बैग में रखती हूँ, फिर वो चाबी बैग से इतनी दूर जाकर कैसे गिरी, मतलब कोई घर का ही आदमी है। पूजा अजय आई किसने लिए, देखो बता दो अभी बता दो। बस बहुत हो गया, तुझे क्या लगता है हम सब चोर है? नाइटर का है, रोज रोज का ड्रामा है तेरा, ये सब ना हमारे घर में नहीं होता है, तेरे मायके में होता होगा, समझी तू? देखो तलाशी लो पूरे घर की, एक एक कोना छान मारो। सर आप ऐसे कैसे? वारंट तलाशी का, सब लोग चुपचाप यहीं बैठे रहो, हमें हमारा काम करने दो। वर्मा लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपने चाबी देखी थी। हाँ चाबी देखी थी लेकिन किसकी थी पता नहीं था। सर ये देखिए। अरे मिल गए होंगे पैसे, रंजना देवी के ही पास होंगे। सर मेरी बात तो सुनिए सर, सर इन्होंने कुछ नहीं किया, आप एक बार बात तो सुन लीजिए मेरी। साहब इसको किधर को लेके जा रहा है? सर आप एक बार सुन लीजिए सर। सर दादा तो घर पे ही थे। सब चुप, हमें अपना काम करने दीजिए, ना आप सबको भी अंदर कर देंगे। चल नहीं सर, सर एक बार सर, सर सर मेरी बात सुनिए सर। पैसे कहाँ से आए, छुपा कर क्यों रखे थे? नहीं साहब मैं, तूने अकेले तो चोरी की नहीं होगी। हाँ किसने मदद की, बीवी ने? बोल। नहीं साहब मैंने पैसे नहीं चुराए साहब, मैं कैसे चुराऊंगा, और रंजना भी चोरी नहीं कर सकती साहब, उस पे तो साहब ने भरोसा करके चाबी दी थी ना उसको। अरे आप बोलो साहब को, बोलो मुझे, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं नहीं रुकूंगी, मुझे साहब मैंने चोरी की है। ए पागल हो गई है क्या तू, साहब ये झूठ बोल रही है, इसने चोरी नहीं की है। नहीं साहब ये सिर्फ मेरे को बचाने के लिए ऐसे बोल रही है। नहीं दरअसल सर हम दोनों ने चोरी नहीं की है, मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने कुछ गहने गिरवी रखे थे, ये उसी के पैसे हैं। साहब इसकी ना पहले से ही नजर थी मेरे गहनों पे। झूठ बोलकर मेरे को क्या फंसा रही है? साहब मैं आपको बोलती हूँ, इसका जो पति है ना उसी ने चोरी की है। ए! अरे इतना जल्दी छोड़ दिया? अरे अच्छा हुआ ना दीपा, जाकर पानी लेके आ दादा के लिए। हो आई हमें छोड़ दिया,
क्योंकि हमारे इस चोरी से कोई लेना देना नहीं था। और वो पैसे 1 लाख रुपए जो घर से मिले थे, वो मैंने लोन लिया था, कहीं मुझसे खर्च ना हो जाए इसलिए छुपा के रखे थे। वाह, बस अभी नहीं, इतना मुझे अंदर लेकर चलो। आओ देखा, आई देखा, पैसे छुपा कर रखे इन लोगों ने, वो भी हमसे। तुमसे नहीं छुपाएंगे तो और किससे छुपाएंगे? तू भी अपनी तमीज भूल गई है क्या? पहले खुद तमीज सीखो और सबके कान भरना बंद करो। दीपा, ऐसे बात करते भाभी से? तमीज भूल गई तो अपनी, चल निकल यहाँ से। रंजू सॉरी, मैंने छोड़ी अब सब। मुझे सिर्फ नगद पैसे चाहिए थे, वो हैंडीकैप बूथ के लिए, इसलिए मैंने तेरा हार गिरवी रखा। मेरे से ऐसे नहीं होता, ऐसे रोज रोज घर पे बैठे रहना और तू दिन रात काम करती है। मैं भी कमाना चाहता हूँ, तेरी मदद करना चाहता हूँ मैं। मेरे को पता है सुनील, पर आप टेंशन मत लो, मैं बोलती हूँ ना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने नई नौकरी ढूंढ लूंगी, आपका ऑपरेशन भी हो जाएगा अच्छे से, और फिर हमें ये हैंडीकैप बूथ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? सर, लगता नहीं कि रंजना इस चोरी में इन्वॉल्व है। जिससे भी पूछताछ की सभी ने उसके फेवर में बात की। और प्रमोद? सर, उसका अब तक कोई पता नहीं चला। अच्छा, वो जो चाबी टेस्टिंग के लिए लैब भेजी थी उसकी रिपोर्ट है? सर, लैब से बात हुई, रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। सर, वो सुनील पटेल आया है, थोड़ा परेशान लग रहा है। देखिए साहब, प्लीज सर, हमारी मदद करिए साहब। मेरी बीवी रंजू, मतलब रंजना साहब, 2 दिन से उसका कुछ आता पता नहीं है। सर, महीने का कॉल भी स्विच ऑफ आ रहा है और उन्होंने कोई कॉल नहीं किया, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। सर, महीने को ढूंढ दीजिए प्लीज। साहब प्लीज, आखिरी बार कब देखा था रंजना को? घर में ही देखा था साहब, भाग गई होगी। उसने धमकी भी दी थी, बोल रही थी कि घर से भाग जाएगी और फिर देखेगी कि घर कैसे चलता है। हाँ, धमकी दी थी, लेकिन गुस्से में। झगड़े भले ही होते थे लेकिन बहनी अपनी जिम्मेदारी हमेशा पूरी करती थी, और वो हम सबसे प्यार करती थी, और खास करके सुनील दादा से। वो ऐसे कहीं भी नहीं जा सकती, कुछ प्रॉब्लम है सर, आप उन्हें ढूंढिए। पहले विश्वास नहीं होता था साहब, घर के आदमी को कौन छोड़ता, पर अब तो ऐसा लगता है कि सर पूरे पैसे लेकर भाग गई होगी। भागी होगी उसी आदमी के साथ जो उसके साथ काम करता था, रोज छोड़ने आता था उसको साहब, वो हमारे परिवार का नाम खराब कर दिया। सर, पड़ोसियों ने भी उसे 2 दिन पहले ही देखा। सर, यहाँ का हाल, कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। तो हो सकता है कि वो प्रमोद के साथ ही भागी। प्रमोद पैसे वैसे के साथ पहले निकल गया, पर रंजना उसे कहीं जाती मिली है। हाँ बोलो। ठीक है सर, एक लाश मिली। प्रमोद, जहां एक तरफ पुलिस ने यह सोचा कि प्रमोद और रंजना साथ में चोरी करके भागे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रमोद का शव बरामद हुआ और पुलिस को अपना अनुमान खारिज करना पड़ा। देखते ही देखते चोरी की एक साधारण वारदात भयंकर हत्याकांड में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन इसके पीछे कारण क्या था? पैसों का लालच या फिर कुछ और? आखिर इस सब का रंजना से क्या ताल्लुक था? इन सभी सिरों को जोड़ने के लिए अब रंजना का मिलना अनिवार्य हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रमोद की मौत सर पे मिले घाव की वजह से हुई। बॉडी के पास जो बड़ा पत्थर मिला उसे फोरेंसिक लैब भेज दिया, शायद उससे कोई फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। पता नहीं जोशी, पर मुझे लग रहा है कि ये रॉबरी और ये मर्डर दोनों जुड़े हुए हैं। सर, लगता तो ऐसे ही। पर ये रंजना तो बहुत ही शातिर निकली, उसने पहले प्रमोद के साथ मिलकर चोरी की और फिर उसे ही मार के पैसे लेके फरार हो गई। मुझे लगता है कोई दूसरा एंगल भी है इसमें। सर, हमने जो चाबी दी थी टेस्टिंग के लैब में, उसका रिपोर्ट आया है। सो प्रेसिडेंट, लगता है किसी ने चाबी की कॉपी बनाने की कोशिश की। केटोकोनाजोल, स्पेशल मेडिकेटेड सोप्स में यूज होता है ये केमिकल। जोशी, मुझे शक तो पहले से ही था, अब सुनो प्लान क्या है।
रंजना पर उंगली उठाने से कोई फायदा नहीं होगा। उस चाबी की डुप्लीकेट कॉपी बनवाई गई थी, उसके पास तो ओरिजिनल थी, तो उसे कॉपी बनवाने की क्या जरूरत। इसका मतलब यह है कि जिसने वो चोरी की उसी ने वो डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी और उसी ने वो मर्डर भी किया। आप ये चोरी वोरी के बारे में छोड़िए ना, आप मेरी रंजू को ढूंढ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज। हमारी एक टीम रंजना को सर्च करने में ही लगी हुई है, वो जल्द मिल जाएगी। आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? किसने बनवाई थी चाबी? इंस्पेक्टर, तुम में से किसने बनवाई थी डुप्लीकेट चाबी? इंस्पेक्टर, जिसने चोरी की थी उसने इसी तरह के मेडिकेटेड सोप की मदद से डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी। अब ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक होगा ना कि चोरी करने वाला कोई और है और उसने भी इसी तरह के साबुन से चाबी बनवाई। किसने बनवाई थी चाबी? लेके चलो। रंजना कहाँ? साहब मेरे को नहीं पता है रंजना कहाँ है। साहब देख, जब तक तेरा ये बेगुनाही का ड्रामा चलता रहेगा तब तक तू पिटता रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि तूने क्या किया है, बस तेरी है तेरे मुंह से सुनने की। प्रमोद से दोस्ती थी ना तेरी, तेरे कॉल रिकॉर्ड्स, कब कब प्रमोद को कितने कॉल किए, और जब प्रमोद मरा तो तेरे फोन की लोकेशन वही थी जहां पर प्रमोद मरा था। उससे बड़ा सबूत तेरे फिंगरप्रिंट्स उस पत्थर पर जिससे प्रमोद का खून हुआ। अब बोलेगा नहीं? ठीक, सेकंड राउंड। मैं बताता हूं साहब, मेरी बीवी साहब बार बार वही रट, पैसा चाहिए पैसा चाहिए साहब, जितना भी कर लो उसको उसको कम ही लगता था साहब। जब प्रमोद ने मुझे बताया कि दुकान का मालिक बाहर गांव जा रहा है और चाबी रंजना वहीनी के पास है। सर तू तो ऐसे बोल रहा है ऐसे में कोई बैंक लूटने को बोल रहा हूँ, पैसे की जरूरत तुझे भी और मुझे भी है ना। चाबी का टेंशन मुझ पर छोड़ दे, मैं लेके आता हूँ कैसे भी। उस घर से पैसे निकालने की जवाबदारी तेरी, फिर पैसा आधा आधा बांट लेंगे। ऐसा चांस नसीब से आता है बार बार नहीं आएगा, मत सोच इतना, ठीक है? अगली रात को मैं दादा वहीनी के कमरे में गया और अलमारी में से वहीनी के पर्स से चाबी निकाली। साबुन पे डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए चाबी का छाप लिया और जब मैं पर्स वापस रख रहा था तब मुझे ऐसा लगा जैसे वहीनी की नींद टूटने वाली है, मैं डर गया, तो चाबी उधर ही छोड़ के वहाँ से निकल गया। अगले दिन प्रमोद ने उसी चाबी से घर में घुसकर चोरी किया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन लेकिन सारी मेहनत तो मैंने की है। तो क्या मैंने कुछ नहीं किया? चला प्लान मेरा, आइडिया मेरा, वो चाबी निकालने में कितना रिश्ता मेरे को इस मालूम है। रिश्ता तू रहने ही दे, घर में घुस के चोरी मैंने की है, तू तो बच जाता लेकिन पकड़ा जाता ना तो लंबे टाइम के लिए अंदर मैं घुस जाता। ए प्रमोद, ज्यादा शान पत्ती मत कर समझा, आधा आधा पैसा कर नहीं तो मैं पुलिस के पास जाएगा। पुलिस के पास जाएगा? हां जाना पुलिस के पास, मेरे को मालूम है तू नहीं जाएगा, क्योंकि अगर पुलिस ने मेरे को पकड़ा ना तो तू भी अंदर जाएगा। इसके लिए प्यार से बोल रहा हूँ आखिरी बार, चाहिए तो 25% ले नहीं तो छोड़ दे। आखिरी बार बोल रहा हूँ 25% ले, साले भीख दे रहा है। चाहिए तो ले नहीं तो बाहर में जा। रुक, सदा मेरा। अरे पैसा दे, पैसा, पैसा ले रहा है। मैंने चोरी की है। पैसा दे, पैसा मेरा, पैसा पैसा पैसा। मेरे को उसको मारने का नहीं था साहब, लेकिन ऐसे पैसे के लालच में तूने उसे मार दिया। हाँ ऐसे कहाँ है? मेरा एक दोस्त है उसके पास छुपा के रखे। चल अब ये बता कि रंजना कहाँ? देख बिना ड्रामे के सच सच बताना। मेरे को नहीं पता रंजना वही नहीं किधर है साहब, सच बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं पता मेरे को, नहीं पता साहब, मेरे को नहीं पता साहब। साहब मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा साहब? अब तो मर्डर कबूल कर लिया ना साहब, अभी क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जरूरतों को पूरा किया जा सकता है लालच को नहीं। जरूरत और लालच के बीच की ये लक्ष्मण रेखा काफी महीन होती है, धुंधली होती है, और इसी वजह से अक्सर इंसान की जरूरत को लालच में तब्दील होते देर नहीं लगती। देखते ही ये लालच एक बुरी आदत बन जाती है और फिर इंसान उसे पूरा करने की फिराक में अक्सर गलत रास्ते पर चलकर अपराध को अपना लेता है। अजय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, पर रंजना का अब भी कुछ पता नहीं चला था, वो अब भी लापता थी। इन सब के पीछे किसका हाथ हो सकता था? ये रॉबरी केस तो सॉल्व हो गया, इसका मतलब यह है कि रंजना के साथ जो कुछ भी हुआ उससे इसका कुछ लेना देना नहीं।
अब या तो इस लाइफ से तंग आकर वो अपनी मर्जी से कहीं गई है या फिर वो सही में खतरे में। जो भी हो उसे हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। एक काम करो, सारे मोटिव्स फिर से एग्जामिन करो। जहाँ वो काम करती है उस जगह पर पूछताछ करो और पता करो कि और भी कोई जगह थी जहाँ वो जाती थी, किन से मिलती थी, किन लोगों को पहचानती थी वगैरह। सर, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत मुझे थी, मेरा पूरा घर चलाती थी। बस यही मतलब था आपका उससे? लेकिन साहब, मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। साहब, हमने तो सुना है कि उसका किसी प्रमोद नाम के आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। इसका मतलब तुम्हारे पास मोटिव भी था। सर, आप सुनी सुनाई बातों में क्यों आ रहे हैं? ये सब अफवाह है, रंजना ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सर, रंजू वहनी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो मुझसे सारी बातें शेयर करती थी। भला मैं क्यों अपनी बहनी को मारूंगी? सब कुछ बताती थी ना तुम्हें, तब तुम हमें बताओ, कोई ऐसा था जिससे उसे खतरा महसूस होता? सर, मुझे लगता है बहनी खुद ही सब कुछ छोड़कर चली गई है। मत ढूंढिए उन्हें, उनका हम सबसे दूर रहना ही अच्छा है। भाग गई वो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अरे महेश पागल थी, खाली पॉकेट में पैसा पैसे की, और आज मेरे चक्कर में अजय जेल जाएगा। मेरे को क्या पता था साहब कि ये सब हो जाएगा। तुम्हारी अपनी बहन से बनती नहीं थी। बात बनने की नहीं है साहब, हमारी सोच अलग थी। रंजना सब कुछ सही और गलत के हिसाब से दिखती थी, ये सही है वो गलत है, बस उसके बीच में कुछ नहीं। वो ये बात समझ ही नहीं पाती थी कि मैं अपनी बीवी के साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे किसी और से प्यार है, ये बात वो मान ही नहीं रही थी। तो इसीलिए तुझे उस पर गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि तूने उसे मार दिया। साहब, आपको जो बोलना है वो बोल लीजिए, लेकिन रंजना बहन है मेरी, उसकी रक्षा करना मेरा काम है। ऐसा नहीं है कि रंजना ने मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। अब उसे पता था कि मेरी बीवी थोड़ी सी अजीब है, और उसने एक बार मुझे कि एक रात सविता ने उसे रास्ते में मिलकर डराया था, उसे मारने की धमकी भी दी थी। तुम सब लोग एक जैसे हो, तेरे भाई को उसकी बीवी और बच्चे की पड़ी नहीं है, और तेरे को सिर्फ अपनी पड़ी है। मैं छोड़ूंगी नहीं, देख लूंगी एक एक को। हाँ, समझ क्या रखा है मुझे? दी थी धमकी मैंने उसको, लेकिन उसके पहले रिक्वेस्ट भी की थी, भीख भी मांगी थी। एक वही तो है जिससे मुझे उम्मीद थी, लेकिन मैं काहे को मारूंगी उसको? उसने मुझे डायरेक्ट तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना। मारना तो उस निकम्मे मोहन को चाहती हूँ, अपने बीवी और बच्चे को इस तरह बेसहारा छोड़ने वाले को तो मार देना चाहिए। सर, रंजना तो अपने काम में बिजी रहती थी, उसके पास टाइम कहाँ था मुझसे बात करने का? सर, इतना इजी नहीं है ना सारा दिन धूप में खड़े रह के काम करना। और ऊपर से वो दो लफंगे, वो उसे दुकान के बाहर तक परेशान करते थे। सर, कौन लफंगे? सर, वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि रंजना ने कभी इस बारे में बात नहीं की मुझसे। लेकिन एक दिन वो दोनों उसे छेड़ रहे थे, और उसने कहा था कि वो पुलिस कंप्लेन कर देगी उनके खिलाफ। ए, तुम लोग फिर आ गए? हाँ, चलो भागो यहाँ से। दोबारा यहाँ नजर आया ना, डंडा मार मार के सीधा कर दूंगा। डंडे से मारेगा? हैं? डंडे से मारेगा? ए, पुलिस पकड़ के लेके गई ना तो रोएगा। चल भाग यहाँ से। क्या हुआ रंजना? चल, ये लोग बार बार क्यों आ रहे हैं, तू जानती है इन्हें? अरे नहीं रे, ऐसे ही लफंगे हैं ये लोग। तो वो सेल्स गर्ल कह रही थी कि रंजना छुपाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वाकई इन दोनों से काफी परेशान थी। पता लगाओ कौन है दोनों, कैसे भी करके इन दोनों का पता लगाना पड़ेगा। सर, जांच अचानक गतिहीन हो गई। बाधा ये थी कि पुलिस के पास ना तो परिवार वालों के खिलाफ कोई सबूत थे और ना ही सविता के खिलाफ। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन कोई भी संदेहजनक बात दिखाई नहीं दी। और जहां लगा कि तहकीकात पूरी तरह से थमने वाली है, वहीं एक अनपेक्षित घटना घटी। पैसा निकालो, बैलेंस बाकी है, अभी देना पड़ेगा, वैसे भी ड्यू डेट जा चुका है। अरे क्या दादागिरी है, जब हमने कुछ खरीदा ही नहीं है तो बैलेंस किस बात का? अरे बॉस, आप गलत एड्रेस पे आ गए हो। रंजना पाटिल का घर यही है ना? हाँ, लेकिन बस यही सही एड्रेस है, किधर छुपी है? वो कोई छुपी हुई नहीं है, लापता है, और उसने कुछ नहीं खरीदा है। चिल्लाने का नहीं, खरीदा नहीं तो 10,000 बैलेंस है, कहाँ से आया? निकालो पैसा, तब तक हम यही रुकते हैं। बहुत हो गया तुम लोग का नाटक, पैसा नहीं मिला ना। अरे छोड़, बंद करो साहब। क्या हो रहा है साहब, छोड़ो से। सर, पैसे रिकवरी का ऑर्डर मिला हमको, रंजना पाटिल ने स्कूटी खरीदी थी, उसका बैलेंस बाकी है। साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, रंजना ने कोई स्कूटी नहीं खरीदी। हाँ,
मतलब खरीदी थी। जिस दिन स्कूटी की डिलीवरी डेट थी उसी दिन वही नहीं लापता हो गई। कौन है? इन कैसे तैसे बहनी वैसी हालत में घर पहुंची। मैंने उनसे बहुत कहा कि पुलिस में कंप्लेन करें, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। उनको डर था जो खुद की सिक्योरिटी नहीं कर सकती वो लोगों की क्या करेगी। मेरे बहुत कहने पर, बहुत जिद करने पर उन्होंने स्कूटी खरीदी। जब तक स्कूटी नहीं आई थी प्रमोद उन्हें घर छोड़ता रहा, ले जाता था। दीपा, तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया मुझसे तूने ये? इस बात को छुपा के तुमने बहुत गलत किया है दीपा। आपको नहीं पता सर। और दादा, आपको क्या बताती मैं? अगर घर में ये बात पता चलती कि वहनी स्कूटी खरीद रही है तो घर में तो हंगामा मच जाता, और इसलिए मैंने ये बात आप सबसे छुपाई ताकि घर में कोई हंगामा ना। मुझे सच में लगता है वहनी जानबूझकर ये सब छोड़ के चली गई है, हम सबसे बहुत दूर। सर, रिकवरी एजेंट्स जो घर पे आए थे उनसे स्कूटी की इंफॉर्मेशन मिली। सर, ये उसका नंबर है और कलर रेड। स्कूटी का पता लगाना हो आसपास के सभी गैरेजों में पूछताछ करो कि क्या इस तरह की किसी स्कूटी का कलर बदला गया या फिर कोई रिपेयर वगैरह, खासकर पिछले महीने जब रंजना गायब हुई। सर, लड़की को देखा है? नहीं साहब। अच्छा, उस लाल स्कूटी को देखा है? कुछ खबर है उसकी? मैं अपने नेटवर्क में पता करता हूँ, जैसे ही पता चलेगा मैं आपको कॉल करूंगा। नहीं साहब, ऐसा कोई पेंटिंग जो अपने गैरेज में नहीं हुआ है साहब। पर साहब, एक स्कूटी मैंने रेड कलर से, एक औरत आई थी साहब, उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था, वो रिपेयर कराने आई थी मेरे यहाँ। भैया ये देखिए ना, थोड़ा सा अर्जेंट है, स्कूटी नई नई मिली है, इसमें स्क्रैच आ गया, ये जा सकता है क्या? मैडम, पक्का ये स्कूटी नया है? हाँ, ऑफ कोर्स। तुम्हारे पास उस औरत का नाम या एड्रेस कुछ है? हाँ हाँ, मैंने लिखा है साहब, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ सर, सर रंजना के केस में शायद एक लीड मिल गई है सर। कुछ नहीं किया साहब, उसने आने जाने का रास्ता खुद बदल दिया था साहब। और साहब, वो जिधर काम करती थी ना वही आदमी उसको घर पे छोड़ता था। अब उन लोगों ने साहब उसके दुकान पे गया और साहब उन्होंने उसने उन लोगों को धमकी दी कि अगर इधर आएगा ना तो मैं पुलिस को बोल देगी। अब से साहब अपने पीछे घर छोड़ दिया। माँ का सब साहब के समझा। मुझे समझ नहीं आ रहा सर, मेरी स्कूटी का और इस औरत के गायब होने का क्या कनेक्शन है? मुझे तो ये स्कूटी गिफ्ट में मिली थी, मेरे मंगेतर ने मुझे गिफ्ट किया है। क्या नाम है तुम्हारे मंगेतर का? नाम की बहन थी साली, मेरी मदद भी नहीं की। क्यों मारा? गीता के लिए साहब, मैं उससे प्यार करता था और शादी करना चाहता था साहब। मेरी बीवी सविता ने मेरी जिंदगी की वाट लगाई हुई थी और यहाँ पर गीता ने भी धमकी दी हुई थी कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए ना तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। बस सर, इसलिए मैंने रंजना से मदद मांगी। रंजू प्लीज देख मेरी बात समझ, देख गीता ना मुझे छोड़कर चली जाएगी, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। तुझे छोड़ ही देना चाहिए। अरे शर्म कर, तेरी बीवी है, बच्चा है तेरा। तो भाषण शुरू हो गया ना तेरा, तू जा रे। रंजू, रंजू मेरे। और इधर गीता का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, इसीलिए उस दिन मैंने सोचा कि रंजना से एक और बार बात करके देखा, इसलिए उस दिन मैं उसके पीछे गया था सर। तो बहुत पहुंची हुई निकली रंजू, मेरे को देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, और यहाँ यहाँ यह नई स्कूटी खरीद ली। ये स्कूटी मैंने अपने बचाव के लिए ली है। नौकरी तो चली गई ना तेरी, अब ये बता ये स्कूटी तेरे किस काम की? ये स्कूटी तो मुझे दे दे, मैं गीता को गिफ्ट कर दूंगा। तू पागल हो गया हा? मैंने अपने काम के लिए ली है ये। एक तो शादी होने के बाद भी किसी और के चक्कर में पड़ता है और ऊपर से बच्चों जैसे। दे देना रंजू, जब मैं गीता को स्कूटी दूंगा ना
तो कितने खुश हो जाएगी। और मैं ये कह रहा था कि मैं धीरे धीरे करके तेरे सारे पैसे चुका दूंगा। तू पैसे चुकाएगा, चल जा, बड़ा आया पैसे चुकाएगा। रंजू क्या कर रहा है? चाबी दे तू मुझे। मोहन ये क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? मोहन तू मेरी बहन है ना, तो अपने भाई की मदद कर और ये चाबी मुझे दे। मोहन मेरा हाथ चाबी दे। रंजू रंजू मेरे मोहन मोहन निकम्मा। तुझे क्या लगा प्यार खरीद लेगा तू? हाँ अब तू जेल में सड़ेगा जिंदगी भर अकेला। ओए हाथ थोड़ा पीछे रख, बेटे है मेरे, पीछे रखा थोड़ा, चल जल्दी कर। सर जी परेशान मत हो, ये आपको जो फोटो अच्छी लगी उनमें से आप रख सकते हैं। चलो जल्दी। ओए ओए घटी कितने गए मेरी, तो लगता है ले गए। हाँ सब तेरी वजह से हुआ है, अगर देर नहीं करती ना तो मेरे को गाड़ी यहाँ सड़क पर पार्क नहीं करनी पड़ती। तुमको पता है कितना डैमेज करेंगे मेरी कार के साथ, सारा का सारा घर मेरी बर्बादी करने पे तुला हुआ है। और मुँह क्या देख रहे हो, जाओ रिक्शा लेके जाओ, मैं गाड़ी छोड़ के लेकर आता हूँ, जाओ। अच्छा पापा को फोन लगाएं। हेलो। हाँ कहाँ हो तुम? हाँ बाबा आ रहा हूँ बस 10 मिनट में। और हाँ सुनो खाना मत खाना। अरे मैं लेकर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है जल्दी आ जाओ। बस बस यहीं रुको, ये लो। थैंक यू। पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, थोड़ा चुका लो गुड़िया। अरे 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 गोल्फ। हाँ मुंह बंद कर, बस अभी 24 घंटे में तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है पक्का ना? इस टाइम पेपर पर लिख के दूं? अरे मैंने इलाज किया तो ठीक हो गई। चलो अभी मुझे और भी मरीज देखने हैं, चलो जल्दी। थैंक्स, बैठो। रेनुका रेनुका कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? क्या कर रही है तू यहाँ? समझे? पापा जी वो बस पूछ रहा था कि मरीज को भड़का रही है? नहीं नहीं पापा जी। चुप कर। और तू? तू यहाँ इलाज करवाने आया, टाइम पास करने आया? तेरे को बता रहा दवा खत्म हो गई, चल जा अंदर, ले क्या दवा। आप प्लीज रोइए मत, आप तो जानते हो डॉक्टर साहब को, वो ऐसे ही हैं, अब कौन क्या कर सकता बताइए। अजिस्तानी का दवा खाना यही है? हाँ जी यही है। कहाँ है वो? अंदर। अरेस्ट करने आए हैं, इलाज करवाने, जो भी है जल्दी बोलो, बाहर मेरे और भी पेशेंट हैं। आपके दामाद नवीन पर कल रात हमला हुआ है, उसी सिलसिले में आए, जिंदा है लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है, सर पे गहरी चोट लगी। वही तो मैं सोचूं कि मेरे इतने अच्छे भाग का जो मुझे उसकी मौत की खबर सुनने को मिलती। मेरी एक बेटी तो विधवा है और दूसरी को विधवा देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। सर मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। झूठ क्यों बोल रही हैं भाभी? आप इंस्पेक्टर साहब को बताते क्यों नहीं कि ये अटैक आपके पापा ने करवाया? तुम कौन हो और इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हो? सर हम दोनों नवीन के दोस्त हैं और भाभी जी और नवीन की लव मैरिज हुई थी, वो भी भाग कर। सही में किडनैपिंग कर रहे हो क्या? अब हटाओ ये सब, डर लग रहा है तुम लोगों को देख के।
सर दरअसल पापा जी अभी भी नवीन को अपने जमाई की तरह स्वीकार नहीं करते। उसकी कोई खास वजह? उसका बाप ड्राइवर था मेरा, और उसका वो पिल्ला नवीन मेरी बेटी को भगा के ले गया था। शादी के बाद नवीन के कहने पर हमने पापा जी को फोन किया और उनसे मिलने भी गए। पापा जी, मम्मी जी और दीदी नजर नहीं आ रहे? बाहर गई है, मैंने भेजा है और इन्हें बुलाया है तेरे इस दूल्हे की खातिर करने के लिए। देख रहे हो, शुरू जाओ, तोड़ दो उसके हड्डी। छोड़ दो, रुको। कभी माफ नहीं करूंगी आपको इसके लिए मैं। चल निकलो तो, और मुड़ के मत आना इतने। चलो सर, एक बार पहले भी इसने नवीन को बहुत मारा था, और सर जान से मारने की धमकी भी दी थी। हाँ दी थी धमकी, मैं तो अब भी चाहता हूँ कि वो मर जाए, लेकिन उसके गंदे खून से मैं अपने हाथ रंगना नहीं चाहता। अरे एक नंबर का लालची है वो नवीन, पैसे पे नजर थी उसकी मेरी और मेरे क्लिनिक पे, और मेरी बेटी उसी का साथ दे रही है। सर नवीन एक बहुत ही खुददार आदमी है, उन्हें पापा जी के पैसों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट होता तो आज पापा जी यहाँ हॉस्पिटल में पड़े होते नवीन ने। देखो मैं भी बहुत बिजी हूँ, वैसे भी कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं ना, तो जाओ ढूंढो सबूत, जब मिल जाए तब आना। नेक्स्ट पेशेंट। नहीं, बददिमाग बदतमीज और पागल किस्म का आदमी है ये डॉक्टर। मुझे लगता है नवीन पैटर्न इसी नहीं करवाया होगा सर। लेकिन एक बात है, उसने पहला हमला शादी के 2 महीने बाद कराया, उसे इतनी ही नफरत थी, तो दूसरा हमला इतने टाइम बाद क्यों कराएगा? फिलहाल तो नवीन पे जहाँ अटैक हुआ था मैं वहाँ जा रहा हूँ, सुनसान एरिया है, देखता हूँ पूछताछ करके किसी ने अटैकर्स को देखा हो तो। ठीक है, बताना मुझे। ठीक है सर, चलो गाड़ी सीधी ले लो। ठीक है, फाइल भिजवा दीजिए। राजेश, वो नवीन वाले केस का क्या हुआ, कुछ पता चला? सब तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन डॉक्टर का फोन आया, नवीन को होश आ गया। मैं अस्पताल जा रहा हूँ उसका स्टेटमेंट लेने के लिए, उम्मीद है कुछ पता चल जाएगा। हमें बताइए कि उस दिन क्या और कैसे हुआ? सर उस दिन मैं रिक्शा से उतर कर घर जा रहा था, किसी ने मेरे सर पे, फिर मैंने उसे पकड़ लिया, वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, अचानक से एक और आदमी आ गया, उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन दोनों में से किसी का चेहरा देखा है आपने? नहीं सर, उन्होंने मुंह पर रुमाल बांध रखे थे। आपकी बीवी और आपके दोस्तों ने बयान दिया है कि ये हमला शायद आपके ससुर ने कराया है, आपको भी ऐसे ही लगता है? नहीं अश्मिता, हम बिना किसी सबूत पे उन पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। पर नवीन, हो सकता है उन्होंने। अश्मिता प्लीज। सर मुझे जो पता था मैंने आपको सब बता दिया, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। तुम यहाँ इतनी सुबह छिप कर आए हो? नवीन जी के बारे में सुना तो रहा नहीं गया, कैसे हैं अब? जब से इन पे हमला हुआ है मैं बोल रही हूँ चलो और चल के पापा जी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हीं ने किया है, पर इनकी महानता से परेशान आ गई हूँ मैं। बात महानता की नहीं है अश्मिता, मैं तुम लोगों की ये बिना वजह की लड़ाई खत्म कराना चाहता हूँ, और तुम अब गुस्सा छोड़ो नहीं तो मैं ठीक नहीं होऊंगा। अरे क्या हुआ? हाँ सर दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, तुम्हारी दी टेंशन से। बहुत नाटक करते हो तुम। मैं क्या जी, एक काम वाली रख ले, मेरे कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है। क्यों? वो पिछली बारी नौकर रखे से याद है की कितना सी उसने? वो ड्राइवर का बेटा तेरी बेटी को लेकर भाग गया था, और अब एक और नौकर रख लूं है ताकि कोई नया कांड करवा लूं। और वैसे भी खाली बैठी रहती है, तू करती की है? कहां गई थी बोल? पापा जी मैं मंदिर से। अच्छा मंदिर गई थी, तो ना दे ना प्रसाद दे मैनू। मंदिर गई थी ना, दे प्रसाद, की छुपा रही है, दिखा दिखा मैनू। मेरे मना करने के बावजूद तू उस भगोड़ी और उस ड्राइवर के बेटे से मिलने गई? कभी कभी तो मैनू लगता है कि ये दोनों मेरी सगी औलाद है भी कि नहीं। ये
ये क्या कह रहे हैं जी आप? सही कह रहा हूँ, एक तो मुझे जेल भेजने पे तुली हुई है और दूसरी उसकी जाके पीट टोक रही है, मेरे घर से खाना ले आकर उन्हें खिला रही है। खबरदार खबरदार, आज के बाद तो अगर तू उन दोनों से मिली तो वरना तेरा गला खुद दबा दूंगा मैं, समझी? चल जाए तो। अब गलती नहीं करेगी, अब गुस्सा थूक दीजिए। ये हमदर्दी का नाटक मेरे साथ मत कर, तू भी ऐसी है, ये दोनों लड़कियां तेरी ही पैदाइश हैं। चल जा, अभी मेरा नहाने का पानी भर। कभी कभी तो मैं लगता है कि ये दोनों मेरी सगी औलाद है भी कि नहीं, तू भी ऐसी है, ये दोनों लड़कियां तेरी ही पैदाइश है। पानी तैयार है, आ जाओ। इसका टेस्ट अजीब सा क्यों है? दीदी का मैसेज आया था, लिखा था परेशान है बहुत। अब मैं फोन लगा रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, पर कोई रिप्लाई नहीं दे रही। जरूर पापा जी ने कुछ किया होगा, मुझे तो समझ में नहीं आता झेलती क्यों इस आदमी को, घर से क्यों नहीं निकल जाती। तो लेकिन जाएगी कहाँ वो? अरे पढ़ी लिखी है, अनपढ़ गंवार नहीं है, अपनी जिंदगी खुद जिए, फिर मुझे फोन कर करके परेशान करती है। और आज तो मम्मी जी भी मेरा फोन नहीं उठा रही है, दीदी भी नहीं उठा रही है। सुनिए जी, रेनू का कहीं भी नहीं दिख रही, पूरे घर में देख लिया, उसके कमरे में भी देख लिया। कहीं भाग तो नहीं गई अपनी बहन की तरह? कैसी बात कर रहे हैं जी, उसका सारा सामान कमरे में पड़ा है, अगर भागती तो सामान लेके नहीं जाती। सर जी क्या बात है, रेनू का क्लिनिक पे तो नहीं आई? नहीं जी, मुझे तो सुबह से नहीं दिखी। तो फिर कहाँ जा सकती है? गई होगी अपनी बहन और जीजा के पास, आने दे आज उसे, उसकी टांगे तोड़ के रख दूंगा। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, हाँ कुछ पता चले तो मुझे बताइएगा। हाँ ठीक, नमस्ते। दिकु, दिकु, शेर की बोली। सुन रहे हो? अब क्या हुआ? दीदी का कहीं पता नहीं चल रहा है, मम्मी जी को भी कुछ नहीं पता है और कंपाउंडर को भी कुछ नहीं पता है। मुझे लगता है पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए हमको, मुझे डर लग रहा है। नहीं जी सर, मेरा कोई हाथ नहीं है उसे गायब करने में। ओ झूठ बोल रही है। तो आप ही बता दीजिए सच क्या है, कहाँ है आपकी बेटी? ओ मैंने की पता, विधवा थी, चली गई अपने किसी यार के नाम फिर से घर बसाने के लिए। आप कह रहे थे आपकी बहन अक्सर परेशान रहा करती थी, कोई खास वजह? हाँ जी सर, ये है वजह। सर मेरी बहन ने भी मेरी तरह लव मैरिज की थी, पर उसकी किस्मत खराब थी, तो शादी के एक साल बाद ही एक्सीडेंट में उसके पति की डेथ हो गई। इस वजह से वो वापस घर आ गई, और जब वो घर वापस लौट के आई है ना सर, इन्होंने उससे भी उतनी नफरत की जितनी मुझसे करते। लेकिन फिर भी उसको घर में रखा था मैंने। हाँ रखा था, पर किस तरह, याद है आपको? तेरे भागने का जितना दुख था मुझे, आज उतनी खुशी हो रही है तेरी उजड़ी हुई मांग देखकर। आना पड़ा ना, वापस आना पड़ा ना इस घर में। अब सुन, अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरे नियम से रहना होगा, वरना डूब मर किसी कुएं में, कूद जा, मैंने कोई फर्क नहीं पहनता। सर जब नवीन हॉस्पिटल में एडमिट थे तब दीदी उन्हें देखने आई थी, और तब दीदी को जान से मारने की धमकी दी थी पापा जी ने, मुझे तो लगता है इन्हीं का हाथ है, आप पता लगाइए। हाँ मरवा दिया मैंने उसको, और मैंने तेरे पति को मरवाने की कोशिश की थी, मुझे और कोई काम धंधा थोड़ी है, रोज सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ और निकल जाता हूँ कत्ल करने के लिए, है ना? देखिए साहब, इस सब नाटकबाजी के लिए आपके पास टाइम होगा, मेरे पास टाइम नहीं, जब तक मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत हो प्लीज मुझे परेशान मत करना। शानी साहब, अपनी आवाज और अपने अंदाज को जरा शराफत के दायरे में रखिए, मुझे अपनी दवा बेचने की कोशिश हरगिज मत करना। जब जब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी आपको बुलाएंगे, और आप आएंगे भी, अगर नहीं आए तो आपको उठा के लाएंगे, समझे? हमने आपकी FIR दर्ज कर ली है, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।
ये आदमी बहुत अजीब है। सही कह रहे थे, इस आदमी के घर में एक के बाद एक दो वारदातें हुई, पहले नवीन पे अटैक, फिर बड़ी बेटी गायब। कुछ तो मसला है। एक काम करो, इसकी फैमिली के बारे में जरा आसपास पूछताछ करो। जी सर। परेशान तो बहुत रहा करते थे, सानी साहब बड़ी बेइज्जती कर देते थे उनकी। अब कुछ दिन पहले की बात है। मुंह खोलो। अब कौन से राजकुमार के सपनों में खोई है मरजानी? एक बार विधवा होकर तेरे अरमान ठंडे नहीं हुए? नहीं पापा जी, वो जिस तरह गपक कर रोटियां तोड़ती है ना, उसी तरह काम भी किया कर, वरना जा सकती है, दरवाजा खुला है, और जाके मर सकती है कहीं भी। सॉरी पापा जी। लेकिन ये तो आम बात थी सानी साहब के लिए, हमेशा ऐसे ही पेश आया करते थे उनके साथ। इसके अलावा और कोई खास बात जो रेणुका से जुड़ी हो? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं था। जानलेवा हमला होने के बाद पहले रेणुका का अचानक गायब हो जाना और अब उसकी लाश मिलना, साफ था कि साहनी परिवार के साथ सब कुछ ठीक नहीं था। क्या ये इस परिवार के किसी दुश्मन का काम था? और अगर हाँ तो कौन था वो, कोई गैर या फिर कोई अपना? नवीन की पत्नी अश्मिता खुलेआम घर के मुखिया और अपने पिता अजीत साहनी को इन घटनाओं का जिम्मेदार बता रही थी, लेकिन क्या इसकी वजह अपने पिता से उसकी नाराजगी थी, या फिर वाकई में अजीत साहनी ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ हुए इन हादसों का जिम्मेदार था? ये रिकॉर्ड रूम में जमा करा दो। सर, रेणुका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बॉडी में सेडेटिव के ट्रेसेस मिले हैं, हादसे से पहले उसने दवा ली थी। लेकिन हमारे पास तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो सेडेटिव्स लेती थी। सर इतना तो हम जानते हैं कि वो अपने पिता से परेशान थी, फ्रस्ट्रेशन में उसने जान देने के बारे में सोची हो, हिम्मत ना जुटा पाई तो दवा लेके गाड़ी के सामने कूद गई। उसके पास से कोई सुसाइड नोट मिला? सर ये रेणुका का फोन है जो हमें उसके रूम से मिला है। सर इस फोन से एक नंबर पे काफी कॉल्स किए गए हैं। किसका नंबर है? सर इसका नंबर है। बुलाओ उसे। ओके सर। जी हाँ सर, मैं रेणुका से बातें किया करता था और हम लोग कई बार बाहर भी मिले थे। वो अकेली थी और पापा जी के रवैये के चलते काफी परेशान रहा करती थी। उन्हें संभालने के लिए मैं तुम्हारी वाइफ को मालूम है तुम्हारी ये सो कॉल्ड संभालने वाली मुलाकातों के बारे में? जी नहीं सर, वो अपनी फैमिली को लेकर पहले से काफी परेशान रहा करती है, तो इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। हो सकता है रेणुका और तुम्हारे बीच में अवेयर रहा हो, उसने इस बेनाम रिश्ते को नाम देने की बात की हो और तुमने मना कर दिया हो, इसके चलते उसने सुसाइड कर लिया हो। सर ऐसा कुछ भी नहीं था, हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था। मैं अपनी बच्ची की कसम खाकर कहता हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। अगर मुझे तुम्हारी कहानी पर यकीन करने की कोई वजह दिखाई दी तो ठीक, वरना मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा। अभी तुम जा सकते हो। जी सर। मेरे पीठ पीछे मेरी बहन के साथ ये सब करते शर्म नहीं आई तुमको? मैं ही अंधी थी जो तुम पे भरोसा किया। तुम पागल हो क्या? पुलिस का ठीक है पर तुम कैसे हो सकती मेरे बारे में ऐसा? सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी बच्ची को लेकर जा रही हूँ, नहीं जाना तुम्हारे साथ मुझे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज। मैं अपनी बच्ची कसम खाकर कहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ और किसी को भी नहीं, बस मेरा यकीन करो प्लीज। पहले नवीन पे अटैक हुआ, फिर रेणुका ने सुसाइड किया और अब आपके फादर गायब हैं। आखिर चल क्या रहा है आपकी फैमिली में? हर रोज की तरह सुबह 10 बजे नाश्ता करके क्लिनिक के लिए निकले थे, फिर कंपाउंडर का 11 बजे फोन आया कि
हेलो, मैं परेशान हो गई क्योंकि वो क्लिनिक के लिए ही कह के निकले थे। मुझे लगा शायद किसी काम से गए होंगे, लेकिन जब शाम तक कोई खबर नहीं आई तो मैंने अश्मिता को फोन किया। हेलो अश्मिता। ठीक है, अभी तो आप लोग जाइए, जैसे ही हमें कोई खबर मिलेगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सर। अच्छा, अभी रखता हूँ। हाँ बोलो। सर, कंट्रोल रूम से मालूम चला है कि रामलीला मैदान में एक लाश मिली है। चलो। सर, मैंने ही आपको फोन किया था, ये लाश मिली। ये तो अजीत सानी है। एक काम करो, आसपास देखो सर, कुछ मिलता है क्या। अर्श, एम्बुलेंस को कॉल करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना। आप लोगों में से किसी ने देखा इसे, कोई डाल के गया हो या कुछ। सर सर, उनकी गाड़ी गार्डन में खड़ी है। अर्श आओ जरा। या मर गए? पता नहीं भगवान मुझे किस चीज की सजा दे रहा है। हेलो मिसेस शर्मा, आपके यहाँ वो काम वाली बाई आती है ना, उसे जरा प्लीज भेज दो। नहीं नहीं, अपने लिए, आज से ही रखूंगी। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। तकलीफ तो बहुत हो रही होगी ना तुझे, हाँ? पैसे कब देगा? सत्तार भाई, मैं कोई भी बहाने नहीं बना रहा, मुझे थोड़े दिन और दे दीजिए। मैंने आपको कहा था ना कि मेरा एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, वो हो गया है। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, वो भी ब्याज के साथ। मेरा प्लीज यकीन कीजिए, पैसे घर पहुंचा दे वरना तुझे। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अजीत की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। शक की कोई गुंजाइश नहीं। केस को आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास कोई लीड नहीं। अर्श, अजीत के केस में कुछ गड़बड़ जरूर है। अजीत मेडिसिन की फील्ड से था, भले ही उसके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास नॉलेज थी। फिर वो हार्ट अटैक के साइंस को कैसे मिस कर सकता था? उसके पास मोबाइल फोन था, एटलीस्ट मदद मांगने के लिए वो किसी को फोन करके कोशिश तो कर ही सकता था। इसके अलावा वो घर से क्लिनिक के लिए निकला, बिना किसी को बताए घर से इतनी दूर रामलीला मैदान कैसे पहुंच गया? एक के बाद एक घर में दो मौतें होना, ऐसा कुछ तो है जो इस फैमिली में नॉर्मल नहीं है। सर, अजीत की जेब से माता के मंदिर की पार्किंग स्लिप मिली थी, हो सकता है वहां से कुछ पता चले। कौन सा मंदिर? झंडे वाला। ठीक है, आओ चले। पंडित जी से पहचानते हैं आप? मैं जानता तो हूँ, अजीत नाम है इनका। पिछले कुछ दिनों से इनका आना जाना है यहाँ। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी इनसे? आखिरी बार जब वो रो रहे थे। रो रहे थे जी? कब की बात होगी? 4-5 दिन पहले। भगवान की मर्जी के बगैर इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो आपकी बेटी के साथ हुआ है इसमें भी शायद उसकी कोई मर्जी होगी, और इसमें आपका कसूर कहाँ है? नहीं पंडित जी, सारा दोष मेरा है। बरसों पहले मेरे से एक पाप हो गया था जिसका शराब मैनू लगा है, शायद इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। व्यर्थ चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये जो अजीत अचानक मंदिर जाने लगा, इसकी वजह रेणुका की मौत नहीं बल्कि उसी के पापों का गिल्ट, जिसके बारे में उसने उस पंडित को बताया था। क्योंकि जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन भी वो मंदिर गया था। क्या टाइम बताया था पुजारी जी ने? सर 10:30। 10:30, मंदिर से मैदान की दूरी है 45 मिनट, और अजीत की मौत का समय है 11 बजे। इसका मतलब उसकी मौत ना तो मंदिर में हुई है ना मैदान में। उसको जब हार्ट अटैक पड़ा तो वो रास्ते में था। अब सवाल ये है
के हार्ट अटैक में वो गाड़ी चलाकर मैदान तक पहुंचा कैसे? जरूर उसके साथ कोई था जो गाड़ी चलाकर मैदान तक गया, उसकी लाश वहां फेंकी और वहां से चला गया। सर यानी ये वो शख्स है जिसे कभी अजीत ने नुकसान पहुंचाया था? बिल्कुल हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि वो शख्स है कौन? अजीत ने मंदिर के पुजारी से कहा था कि उससे एक पाप हुआ है और उसी की वजह से उसके परिवार के साथ ये सब हो रहा है। ऐसा क्या किया था अजीत ने और किसके साथ? अगर ये पाप वाली थ्योरी सही थी तो कौन था वो शख्स? कोई गैर था या उसका कोई अपना? अच्छे से साफ कर रही है ना? हाँ। एक भी निशान नहीं छूटना चाहिए, चमकना चाहिए। बिल्कुल चमकेगा। और सुन, ये जाले जो दिख रहे हैं ना, इनको भी साफ कर दियो। कर दूंगी। तुम लोग? जी हाँ, इतना सब होने के बाद आपको अकेला छोड़ना हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए चले आए। पापा जी ने तो हमें कभी हमारा हक दिया नहीं मम्मी जी, पर वो नहीं है तो चल। नहीं सर, सानी साहब बड़े कड़वे आदमी थे, किसी से ढंग से बात तक नहीं करते थे, लेकिन ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी उनकी किसी से। कोई और बात? क्लिनिक में कभी कुछ ऐसा हुआ हो जो रोजमर्रा से अलग हो? नहीं सर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, वो मुझे पेशेंट्स की लिस्ट दे दो। हाँ सर। सर कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली है, लेकिन मैंने पेशेंट्स की लिस्ट ले ली है, शायद कुछ पता चले। ओके सर। मैडम ये सरला जी का कुरियर है। मम्मी जी, कोर्ट से आए ये पेपर्स। अगले महीने सुनवाई है और आपने हमें बताया तक नहीं। पापा की पूरी प्रॉपर्टी पे आप अकेले दावा करेंगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चिट्ठी पढ़ने की? अच्छा हुआ जो पढ़ लिया, कम से कम पता तो चला कि क्या चल रहा है। मुझे और नवीन को कोर्ट में घसीटेंगी आप? तो जिंदगी भर तेरे बाप की ज्यादतियों को सहती रही मैं, तेरा क्या? तू तो शादी करके चली गई। आज जब मुझे मौका मिला है अपनी जिंदगी जीने का, तो आज आ गए हिस्सा मांगने के लिए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, तुझे जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। झेला तो मैंने भी है मम्मी जी, और आपसे कहीं ज्यादा झेला है। अच्छा, क्या झेला है तूने? हाँ, क्या भुगता है तूने, बता। छोड़िए, आप नहीं समझेंगे, पर एक बात समझ लीजिएगा, अपना हक मैं लेकर रहूंगी। अश्मिता, हाँ भाई, भाई भाई भाई, बस बस मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, मैं पक्का आपके पैसे करवा दूंगा। जी मैडम जी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला है मैडम जी। तरला जी, कैसे हुआ ये सब? मैं घर में थी तभी घंटी बजी, मैंने सोचा काम वाली आई होगी, मैं दरवाजा खोलने गई, तभी एक आदमी अंदर धक्का देके घुसाया। उसने मुंह ढका हुआ था, मेरे सर पर किसी चीज से वार किया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में थी। सर, अजीत ने जरूर किसी के साथ कुछ बहुत बुरा किया था, और ये वही शख्स है जो ये सब कुछ कर रहा है। हो सकता है कि रेणुका की मौत भी सुसाइड ना हो के मर्डर हो। पहले उसने नवीन पे हमला किया, फिर खुद डॉक्टर अजीत को मार दिया, और अभी सरला पे हमला। हो सकता है कि ये भी उसी ने किया। भाई, भाई, प्लीज छोड़ दो भाई।
भाई प्लीज छोड़ दो भाई, भाई नहीं, भाई नहीं, भाई प्लीज। पैसे देगा या नहीं देगा? भाई मुझे बस बस कल तक का टाइम दे दो, मैं कल आपके सारे पैसे चुका दूंगा। कल रोज नए बहाने, कल दूंगा, परसों दूंगा। सत्तार भाई का पैसा है, हजम नहीं होगा, आराम से, समझ गया? कब देगा पैसे? भाई 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 कल तक चुका दूंगा पूरा पैसा। कल मतलब कल, आखिरी बार बोल रहा हूं, समझ गया? सर अजीत का एक पेशेंट मिला है, उसके पास में कुछ खास इंफॉर्मेशन है। अच्छा, बुलाओ सर। ये बात अजीत की मौत से कुछ दिनों पहले की है सर। मैं अपने दोस्त के कहने पर उनके यहाँ दमे की दवाई लेने के लिए गया था। दवाई तो मिल गई थी सर, लेकिन दवा के पेट में जाते ही मेरी हालत बिगड़ने लगी। अरे क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? विजय, विजय क्या हुआ? देख, संभाल, आराम से आराम से। कुछ मिलाया था इसमें क्या? मैंने कुछ नहीं मिलाया। संभाल इसे, संभाल। अरे इसे कुछ हो गया तो हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, समझा? वो और उनका कंपाउंडर दोनों मुझे उठाकर अपने एक जानने वाले डॉक्टर के पास ले गए, और डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि दवाई प्रॉपरली बनाई नहीं गई थी, कंपोजिशन में कुछ तो गड़बड़ था सर। आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि उस दिन कंपाउंडर भी साथ था आपके? जी सर, वो दोनों ही मुझे साथ लेकर गए थे। झूठ बोला तूने। मार करो साहब। झूठ क्यों बोला? साहब मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है। झूठ नहीं बोला तो सच भी नहीं बताया तूने। क्यों नहीं हमें बताया तूने कि एक बार दवा का कंपोजिशन गलत हो गया था, पेशेंट को हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ा, उसकी जान जाते जाते बची थी। तूने की थी ना वो गड़बड़, इसलिए हमारे बार बार पूछने पर भी तूने हमें नहीं बताया। बोल किसके कहने पर किया था तूने और क्यों? बोल। सरला के कहने पर। सरला मेरे बीच में संबंध थे, सानी साहब के साथ वो नरक जैसी जिंदगी बिता रही थी, इसलिए हम करीब आ गए। उसने मुझे दवा के कंपोजिशन में गड़बड़ करने को कहा, इससे सारा इल्जाम सहनी साहब के ऊपर आ जाता और उन्हें जेल हो जाती और उनका सारा पैसा हमें मिल जाता। सहनी साहब को मिलावट का तुरंत पता चल गया था और उन्होंने सारी की सारी दवा फेंकवा दी थी, इस तरह हमारा सारा प्लान चौपट हो गया था। जिसे तूने बाद में पूरा किया अजीत सहनी को मारकर, लेकिन रेणुका को क्यों मारा तूने? मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ इस बारे में, लेकिन लेकिन क्या? मैंने उससे शादी की थी ये सोचकर कि डॉक्टर की बीवी बनने के बाद मुझे इज्जत और आराम मिलेगा, लेकिन नहीं, उसके साथ शादी करकर उस आदमी ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। जिसके चलते आप अपने पति के कंपाउंडर के करीब आ गए। हम ये भी जानते हैं कि आपने अपने अटैक का नाटक झूठा रचा था, आपके आशिक ने हमें सब बता दिया है। अश्मिता और नवीन दोनों बिना बुलाए मेरे घर पर आ गए, मेरे आके रहने लगे, जायदाद में हिस्सा मांगने लगे, तो मैं और क्या करती? आपने अपनी बड़ी बेटी रेणुका और अपने पति अजीत सहनी को किसके साथ और कैसे मारा? रेणुका ने तो खुदकुशी की थी ना, और इनकी मौत तो दिल के दौरे की वजह से हुई थी ना। पहले हमें भी यही लगा था, पर हमें अब यकीन हो गया है कि उन दोनों का मर्डर किया गया। मर्डर? ये सरला की इंटरोगेशन से कुछ हाथ नहीं लगा, कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ नहीं मिला। सर मैंने रेणुका और सानी साहब का खून किया है, मुझे मेरा जुर्म कबूल है, गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। ये बताओ ये कन्फेशन सडनली क्यों? मैंने मार्केट से कई लोगों से पैसा उठाया था ब्याज पे, और मैं उसे चुका नहीं पा रहा था, कर्जदारों ने जीना मुश्किल कर रखा था मेरा, उन्हीं में से किसी एक पार्टी ने मुझ पर हमला कराया था उस दिन। ये बात मैंने आपसे और मेरी पूरी फैमिली से छुपाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अश्मिता के पापा को एक और मौका मिले इसे टोकने का। सहनी साहब के पास बहुत पैसे थे, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो अश्मिता को जायदाद में हिस्सा मिलता और उससे मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती। मैंने उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया, लेकिन उन्हें रास्ते में ही हार्ट अटैक आ गया। लेकिन तुमने रेणुका को क्यों मारा? सर वो बहुत सीरियस हो गई थी मेरे और अपने रिश्ते को लेकर, और मेरे पीछे पड़ गई थी कि मैं अश्मिता को छोड़कर उससे शादी कर लूँ। मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो अश्मिता को सब कुछ बता देगी। तो मैंने उसे मैसेज करके मिलने बुला लिया,
रिठाला के पास। नवीन, अश्मिता कहाँ है? रेनुका, वो अश्मिता। अच्छा, जिस दवाई से तुमने रेनुका को बेहोश किया था उसका क्या नाम है? सर, वो दवाई, उसका मुझे नाम याद नहीं है। अच्छा, ये बताओ तुमने अजीत को कहाँ मारा था और कितने बजे? पार्क की तरफ, लगभग एक बजे। ले जाओ, चल। अर्श, ये नवीन झूठ बोल रहा है। इसने ये कत्ल नहीं किया क्योंकि इसे ये भी नहीं पता कि रेणुका को बेहोश करने के लिए क्या यूज किया गया था। और रही बात अजीत के कत्ल की, तो उसकी मौत ना तो मंदिर में हुई थी ना पार्क में। उसकी मौत का टाइम भी 11 बजे के आसपास का था। तो फिर ये सब किया किसने? मैं जानता हूँ किसने किया। मैंने ही मारा है अजीत साहनी और रेणुका को, पर आपको ये कभी पता नहीं चलता अगर नवीन ये सब नहीं करता। हमें पहले से ही यकीन था कि ये मर्डर तुमने ही किए हैं, और ये भी कि इस मर्डर में तुम अकेली नहीं हो। कौन था तुम्हारे साथ? नवीन के दोस्त विक्की और सनी। लेकिन अपने ही पिता और बहन का मर्डर क्यों किया तुमने? पैसों के लिए? पैसे? दुनिया के सारे पैसे भी मिला लो ना सर, तो वो घाव नहीं भर पाएंगे जो मेरे पापा जी और मेरी बहन ने मुझे दिया। कैसा घाव? क्या किया था उन्होंने तुम्हारे साथ? तब मैं सिर्फ 11 साल की थी। मुझे डांस का बहुत शौक था। पापा जी मना करते थे लेकिन फिर भी मैं रोक नहीं पाती थी खुद को। दीदी थी वहां, वो भी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी बड़ी थी वो मुझसे, मुझे बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इस बात को तो कई साल बीत गए, फिर बदला इतने साल बाद? क्योंकि मैंने जिंदगी भर अपने आप को रोक के रखा था। अपने पापा जी की करनी की सजा नहीं देना चाहती थी उन्हें, पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि मेरे सब्र के सारे बांध टूट गए। ऐसा क्या हुआ? हमें पैसे की बहुत जरूरत रहती थी सर। नवीन के पास कोई पक्का काम नहीं था, टेम्पररी जॉब थी, उसी बीच हमारी बेटी भी हो गई। नवीन के ऊपर बहुत कर्जा बढ़ गया, लेनदारों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। इन हालातों में अपने पापा जी के आगे हाथ फैलाने पड़े। बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरी छोटी सी बच्ची है। पापा जी, मम्मी जी, आपको भी मेरी हालत देख के तरस नहीं आ रहा? कुछ तो बोलिए दीदी। तुझे तो बड़ी अकड़ थी ना अपने पति पर और अपने लिए हुए फैसले पर। उनकी होया आना पड़ा ना मेरे पास भीख मांगने के लिए, तो वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाया तेरा वो नवीन। उस दिन मेरे सब्र के सारे बांध टूट गए। पापा जी से तो मैं बचपन से ही नफरत करती थी, उस दिन मम्मी जी और दीदी से भी नफरत हो गई। दूसरी बार धोखा दिया था उन्होंने मुझे, इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया कि अब मैं सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। और मैंने मार दिया। बड़ी शांति मिली उन्हें अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरता हुआ देखने में। अगर ऐसा था तो तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? वो भी तो रेणुका की तरह खामोश थी। सही मौका देखकर अगली बारी उन्हीं की थी, उन्हें भी मार डालती हूँ। लेकिन नवीन ने, अजीत ने अपनी ही मासूम बच्ची की इज्जत को तार तार करके गलती नहीं की बल्कि गुनाह किया, और इस गुनाह को ना तो माफ किया जाना चाहिए था और ना ही नजरअंदाज। लेकिन सच्चाई जानते हुए भी ना तो सरला ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की कोई कोशिश की, और ना ही अश्मिता की बड़ी बहन रेणुका ने इसके खिलाफ कोई आवाज उठाई। और उनके इसी रवैये ने अश्मिता की मासूमियत को छीन कर उसके अंदर एक लावा भर दिया जो जीवन भर उसके अंदर उबलता रहा और आखिर में उसे और उसके पूरे परिवार को ले डूबा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100, सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।